हाइगन से एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन से रिफ्लेक्शन, हाइगन से रिफ्रैक्शन, सब चीजें समझाऊंगा 15 मिनट के अंदर और एक क्वेश्चन 100%। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइगन साहब की जब बात करते हैं ना, तो इन्होंने ये कहा कि हमारी वेव्स जो है ना वो आगे कैसे जाने वाली हैं। अब आपने वेव फ्रंट की बातें कर ली, मगर हमारी वेव फ्रंट जो है वो आगे कैसे जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थ्योरी तो बनानी पड़ती है। मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने उसको किसी और को पढ़ाया, उसने किसी और को पढ़ाया, उसने किसी और को पढ़ाया, कुछ ऐसा ही चलता है। वैसे यहां पर भी चलता है। उन्होंने यह कहा कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इन इटसेल्फ द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब कि अगर यह मेरे पास एक वेव फ्रंट है, तो उस वेव फ्रंट पे सारे पॉइंट, मैंने सिंपलिसिटी के लिए कुछ ही लिए हैं, सारे के सारे पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह काम करने लगते हैं। और अगर यह सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो यह अपने में से, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालना स्टार्ट कर देंगे। हमने कहा ठीक है, बात तो समझ में आ गई आपकी। तो पहला पॉइंट तो हाइगन ने अपन से यही कहा कि हर इंसान बाबा जी है, हर इंसान शेयर कर रहा है और वैसे ही शेयर करते रहो। इन्होंने ये कहा कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इटसेल्फ एक्ट लाइक अ सोर्स, तो अपने में से वेव फ्रंट्स निकालता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताओ कि किसी टाइम पर मैं कैसे निकालूं कि मेरी वेव फ्रंट किस पोजीशन पर पहुंच गई। हमने कहा वो भी निकाल के दे देते हैं आपको। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो अपने पास पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, किसी पॉइंट पर जब हम इसका फॉरवर्ड एनवेलप लेते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, तो वो टेंजेंट हमें नई पोजीशन देता है वेव फ्रंट की। मतलब कि अगर ये मेरे पास पॉइंट से, इन पॉइंट से ये मेरे पास वेव फ्रंट बने, तो किसी टाइम पर अगर मैं इनके फॉरवर्ड एनवेलप, हम क्यों बैकवर्ड नहीं लेते हैं, इसको मैंने एक वीडियो में बताया था, बट अब मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। सो ये जो अपन ने टेंजेंट बनाया, ये आपको नई पोजीशन देगा। अब अगर आप कहो कि नहीं बाबा जी समझाओ, थोड़ा सा और समझ में आना चाहिए, ठीक है अपन और समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया, ये मेरे पास हो गया वेव फ्रंट एक, ये इसके लिए ये दूसरा वेव फ्रंट जो निकल रहा है, इसके लिए ये तीसरा वेव फ्रंट जो निकल रहा है, ये अपने पास वेव फ्रंट्स कुछ इस तरह से निकल रहे हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नई पोजीशन निकाल कर दो, तो कुछ मत करना, ये आपके पास इसका फॉरवर्ड एनवेलप ले लेना, ये आपको एक नई वेव फ्रंट की पोजीशन दे देगा। सो इस तरह से अपने पास हाइगन साहब ने कहा, हर पॉइंट अपने आप में सोर्स, सबके सब बाबा जी, सबके सब शेयरिंग, सबके सब केयरिंग, सबके सब सबको बांट रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट पर आपने अगर टेंजेंट बना दिया उसके फॉरवर्ड एनवेलप का, तो वो देगा आपको वेव फ्रंट की नई पोजीशन। हाइगन का प्रिंसिपल हो गया खत्म। अब लेकर चलता हूं आपको रिफ्लेक्शन की तरफ, तो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। बट उसके लिए लेके चलता हूं एक ऐसे सेक्शन में, एक ऐसी बूटी जोन में, जहां के बाद ये डेरिवेशन हो जाएगा खत्म। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई बूटी जोन अपन से क्या कह रहा है इसमें? तो बूटी जोन अपन से सिंपली ये कह रहा है यहां पर कि दो ट्राइंगल को ढूंढ कर लाओ, एक ट्राइंगल आई के साथ, एक ट्राइंगल आर के साथ। मतलब कि एक ट्राइंगल से आप निकालोगे साइन आई, दूसरे ट्राइंगल से आप निकालोगे साइन आर। आपने जैसे ही साइन आई और साइन आर निकाला, उसके बाद डिवाइड कर दो उन दोनों को, साइन आई बाय साइन आर निकाल दो। अब यहां पर मैं इस डायग्राम को समझाता हूं, तो आपको बूटी का अगला पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये हमसे ये कह रहा है कि भाई दो रेज हैं अपनी, एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, ये रेज इंसिडेंट हुई। अब मैं यहां पर बार बार ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स बनाऊंगा कि ये आगे बढ़ रहा है अपने पास, उलझ जाएंगे यार, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो पहली बार ये रे यहां पर टकराई, तो हमने ये कहा था कि रेज जो होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, मगर अपन उल्टी यूज कर रहे हैं कि जो रे है उसके परपेंडिकुलर कौन है, वेव फ्रंट। तो पहली बार ये रे पॉलिश सरफेस पे टकराई, यहां से मैंने ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर, और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। सो ए बी इज बेसिकली इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये रे यहां से बाउंस बैक हो जाएगी, ये वाली रे भी यहां से यहां तक आई और फिर ये बाउंस बैक हो गई इधर। हाँ, ये बात तो समझ में आई बाबा जी। अगर ये बाउंस बैक हो रही है यहां पर, तो यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि ये रे हमारे पास यहां से यहां आई, अभी तो ये इंसिडेंट ही हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है, मगर ये तो इंसिडेंट हो रही है, फाइनली यहां पर आकर ये इंसिडेंट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हुई। सो ये दो रे जब अपन ने ली, तो पहली रे यहां इंसिडेंट हुई, यहां पर बना दो आप इंसिडेंट वेव फ्रंट एक परपेंडिकुलर लाइन, और यहां पर जब ये रे फाइनली इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई, तो यहां पर अब दोनों रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। सो यहां से एक परपेंडिकुलर दूसरी रे पे ड्रॉप कर दो, ये आपको देगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तो ऐसे बनेंगे, मगर मुझे तो ट्राइंगल भी ढूंढना था, इसीलिए मैंने ऐसा बना लिया। अब ये
बात तो समझ में आ गई, ठीक है ये बात समझ में आ गई। अब ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है ये बात भी समझ आ गई। अब आप गौर से देखो, ये हमारे पास जो रे बनाते हैं हम, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है। हाँ बाबा जी ठीक है, आपने कहा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? अगर ये पूरा का पूरा एंगल 90 है तो ये बचा हुआ एंगल आई चला गया, तो बचा कितना, 90 माइनस आई। अब आप ये सोचो कि ये वाला नॉर्मल इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और अगर ये 90 माइनस आई है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, आई होगा। सिंपल, फिर से देखो, अच्छे से समझाता हूं एक और बार। ये देखो क्लियर कर लिया अपन ने अपना पूरा सेक्शन। यहां पर अगर अपन देखें फिर से, तो ये अगर आपके पास 90 डिग्री है तो उसमें से ये आई एंगल चला गया तो बचा कितना, 90 माइनस आई। अब ये आपके पास पूरा 90 है, ये एंगल 90 माइनस आई है तो ये एंगल आई हो जाएगा। सो आपके पास ये एंगल आ गया आई, आ गया। अब यहां पर अगर अपन देखें तो ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस आई। अगर ये पूरा एंगल आपके पास 90 डिग्री है और ये 90 माइनस आई है तो बचा हुआ आर हो गया। सो आपके पास एक ट्राइंगल मिल गया, देखो साइन आई का ये वाला, और एक ट्राइंगल आपको मिल गया साइन आर का ये वाला। अब आपको साइन आई भी मिल गया, आपको साइन आर भी मिल गया। अब ये बताओ, जब ये रे यहां पर टकराई थी तो अपन ने इंसिडेंट रे बनाया था, इंसिडेंट, जब ये रे यहां पर टकराई थी तो अपन ने इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया था, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया था। तो जितनी देर में ये रे बी से बी डैश आएगी उतनी देर में ही तो ये रे ए से ए डैश जाएगी। और यही पॉइंट है हमारे पास लास्ट बूटी का, कि टाइम टेकन बाय द वेव्स टू रीच फ्रॉम ए टू ए डैश एंड फ्रॉम बी टू बी डैश सेम है। यहां पर देखो, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रही है और ये रे यहां पे ऐसे जाना स्टार्ट हो रही है। सो इसीलिए ये जो हमारे पास यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की कहानी है, ये बिल्कुल सेम है, मतलब टाइम टेकन बिल्कुल सेम है और एयर में है, इसीलिए अपन आगे देखेंगे। तो अब अपना बूटी सेक्शन हो गया खत्म, ठीक है, डायग्राम भी समझ में आ गया। ए डैश बी डैश यहां से ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर, तो ये बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये समझ में आ गया। तो रिफ्रेक्शन तो वैसे ही आ गया क्योंकि यही सेम बूटी दूंगा वहां पर भी। तो अगर अपन यहां पर देखें तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था एक एक ट्राइंगल ढूंढो आई के लिए, ट्राइंगल ए बी बी डैश। अगर अपन इस ट्राइंगल में देखें तो साइन आई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बी बी डैश अपॉन हाइपोटन्यूज ए बी डैश, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। एक ट्राइंगल मैंने आपसे कहा था साइन आर का ले लो, तो साइन आर हो जाएगा अपने पास क्या, एंगल के सामने वाली साइड ए ए डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज ए बी डैश। अब डिवाइड कर दो दोनों को, साइन आई बाय साइन आर, सो बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए ए डैश। मैंने आपसे कहा था ए से ए डैश जाने में और बी से बी डैश आने में जो टाइम लगेगा वो सेम है और मीडियम भी सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मैं ए डैश निकालू, स्पीड क्या है एयर में सी, टाइम कितना लगा टी, बी बी डैश निकालू, स्पीड क्या है सी, टाइम कितना लगा टी, तो सी टी सी टी सी टी बच गई, हो गया खाम कदम, साइन आई बाई साइन आर, बी बी डैश की जगह भी सी टी, ए ए डैश की जगह भी सी टी, सी टी से सी टी कैंसिल, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, आई इज इक्वल टू आर। और क्योंकि सारी की सारी रेज जो थी वो एक प्लेन में थी, तो वो लॉ भी वेरीफाई हो गया कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। दोनों लॉज वेरीफाई कर दिए अपन ने और बना दिया इसको आसान, हो गया रिफ्लेक्शन खत्म। अब आता है क्या, रिफ्रेक्शन, सेम बूटी के साथ रिफ्रेक्शन, सिर्फ डायग्राम बदलेगा, सिर्फ डायग्राम बदलेगा, मैंने जानबूझ के नाम भी बदल दिए, अदरवाइज नाम भी मत बदलना। ये है आपके पास प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन यूजिंग हाइगंस प्रिंसिपल। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ डायग्राम बदल रहा हूं, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, यहां पर ये रे इंसिडेंट हुई, अभी ये तो चल ही रही है, यहां से आपने क्या ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर, तो ए बी क्या बन गया आपके पास, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन रहा था आई, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये आई है तो ये 90 माइनस आई, अब यहां क्लियर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, उसमें से ये 90 माइनस आई है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, आई हो गया। ठीक, फिर से पहला एक ट्राइंगल क्या लेंगे, साइन आई का, तो साइन आई का ट्राइंगल मिल गया क्या, ए बी सी, ठीक है, इसको मैं चाहता बी डैश लिख देता तो पुरानी वाली कहानी हो जाती, सेम का सेम चेप देना काम हो जाएगा। अब देखो ये रे आगे बढ़ी, हाँ बढ़ी, ये रे उतनी देर में यहां से यहां आई, बिल्कुल आई,
फाइनली यहां पर इंसिडेंट हो चुकी है, तो यहां से अब आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्योंकि तो रिफ्रैक्ट हो चुकी थी, ये फाइनली यहां पर आकर रिफ्रैक्ट हुई, तो यहां से अपन ने क्या ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और जैसे ही आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपके पास बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब आप कहोगे कि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि मीडियम अलग है, और मीडियम अलग है तो स्पीड भी तो बदल जाएगी, अंदर तो स्लो चलेगा ना, डेंसर मीडियम है तो यहां पर ये डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है। अब ये एंगल नॉर्मल के साथ आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। फिर से वही पूरी कहानी कि अगर ये 90 डिग्री है, ये आर है, तो बचा हुआ 90 माइनस आर होगा, ये पूरा 90 है, उसमें से 90 माइनस आर चला गया, तो बचा हुआ एंगल आर होगा, सो ये आर आ गया। अब बूटी क्या बोल रही है, फिर से दो ट्राइंगल ढूंढो, एक से साइन आई, एक से साइन आर, दोनों को डिवाइड कर दो। अब यहां पर जितनी देर में ये बी से सी चलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जब अपन ने, तो उतनी देर में ये ए से ई चलेगा, मतलब कि यहां से जब पहली बार रे टकराई, आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, उसके बाद इसकी स्पीड फास्ट है, नीचे वाले की स्पीड कम है, तो इसीलिए ये जब ये यहां पहुंचेगा तो उतनी देर में ये यहां पहुंचेगा। डिस्टेंसेस सेम नहीं है मगर टाइम सेम है, और अगर टाइम सेम है तो अपन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं और देखते हैं इस डेरिवेशन को, ये डेरिवेशन अपन से क्या कह रहा है, वही चीज। एक बार ढूंढो ट्राइंगल आई के लिए, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, साइन आई, साइन आई एंगल के सामने वाली साइड, बी सी अपॉन हाइपोटन्यूज ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब देखो अगला, ये ट्राइंगल एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ए ई अपॉन हाइपोटन्यूज ए सी, ए ई अपॉन ए सी, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचेगा बी सी अपॉन ए ई। बी सी क्या है, डिस्टेंस, उतनी देर में जितनी देर में बी से सी चला उतनी देर में ए से ई चला, तो ये क्या कहेगा अपन से, बी सी इज इक्वल टू स्पीड सी इंटू टाइम, एंड ए ई इज इक्वल टू, क्योंकि मीडियम बदल गया तो यहां से यहां तक आने में जो स्पीड है वो बदल गई, स्पीड है वी, तो ये हो गया वी टी। तो आपके पास इक्वेशन में जैसे ही रखोगे, यहां रखोगे सी टी, यहां रखोगे वी टी, सो टी से टी कैंसिल, सी बाय वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, अगर मीडियम वही है तो बदलती नहीं है, जैसे एयर में नहीं बदल रही, वैक्यूम में नहीं बदल रही, ऐसी मीडियम में नहीं बदलेगी, तो ये दो रेशो है, ये रेशो रहेगा कॉन्स्टेंट, और अगर साइन आई बाय साइन आर कॉन्स्टेंट है तो यह कहता है अपन से स्नेल्स लॉ, और प्रूव हो गया स्नेल्स लॉ, और यह सारे डायग्राम एक प्लेन में था, तो हमारा एक लॉ और वेरीफाई हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, साइन आई साइन आर डिवाइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तीन पॉइंट थे बूटी के, कहानी हो गई खत्म, दोनों डेरिवेशन करवा दिए, हाइगन भी करवा दिया, और इस साल इनमें से एक के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।